ओवरसीज एप्लीकेशन, क्या सर ओवरसीज स्टूडेंट दे सकते एग्जाम इस एग्जाम को? सर एक कमेंट आई है, स्कोप क्या है, तब से हम क्या बता रहे हैं? जो भी पूरा चल रहा है सेशन, पूरा स्कोप बेनिफिट सारी चीजें हम वही बता रहे हैं आपको, ठीक है? स्टार्टिंग से वही चल रहा है, कितना स्कोप है इसमें? ओवरसीज एप्लीकेशन, इंडिया के बाहर से जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। उनका पेपर भी उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे इंडिया के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? और उनको क्या करना पड़ेगा, बस ओवरसीज रेसिडेंसी का प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा, तो ओवरसीज स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है? एक बार अगर आपने ओवरसीज ऑप्शन चूज कर लिया, वापस से आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट कि आपका इंग्लिश एक्सेंट ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बस टिफर का एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है, जो कोई भी कैंडिडेट होगा उसको इंग्लिश समझनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, इतना बेसिक सा रिक्वायरमेंट जो है वो टिफर की तरफ से है। और क्योंकि उनके जो कोर्सेज चलते हैं, सेमिनार चलते हैं, वर्कशॉप चलते हैं, उनमें यूजुअली जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? तो टिफर का एक छोटा सा बस एक रिक्वायरमेंट है, आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश समझ में आनी चाहिए और आपको बोलनी आनी चाहिए। क्लियर है यहां पर गाइस?